ये रिवर्स में हाँ। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत विजिबिलिटी है इसका, कैमरा क्वालिटी कितना जबरदस्त देख रहे हैं, 360 भी आप देख सकते हैं। देखिए इसका दाम जो है सर आपका स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस आपका जो आता है 10,99,900 से। पावर देख लेते हैं इसका, तो ये पावर देखने के लिए ये एक्सलेटर पे पैर रखा और आपको देख सकता है कि किस तरह का स्पीड है। नए वाले क्रेटा में पहले वाले क्रेटा से ज्यादा दम है, वो क्रेटा के दीवाने हैं, तो लीजिए जल्दी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए ह्यूंडई क्रेटा का सब दीवाना था और अब फिर से ऑल न्यू क्रेटा लॉन्च हो चुका है। हमारे सामने है क्रेटा नया वाला, आप ग्रिल देख रहे हैं, आप हेडलाइट देख रहे हैं, अलॉय साइज अलॉय सब चीज़ चेंज हो चुका है और माइलेज भी सुन रहे हैं कि बढ़ा दिया गया है थोड़ा, और अंदर से ऐसा लुक देगा ना कि आप सोचेंगे कि बाप रे बाप हम कौन सी गाड़ी में बैठ गए। तो देखिए हमारे साथ रोशन जी हैं जो हर चीज़ समझाने वाले हैं। रोशन जी शुरू हो जाइए, एकदम बिना कुछ सोचे समझे शुरू हो जाइए, ग्रिल से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियों में अब ग्रिल का जो लुक से एनहांस करके आ रहा है, ये डुअल टोन ब्लैक पैक ग्लॉसी ब्लैक कलर का गाड़ी है जो कि मतलब ग्रिल जबरदस्त लुक में है। और इसका अगर आप कनेक्टिंग LED लैंप देखेंगे तो लुक को एनहांस जबरदस्त लुक देता है। हाँ। और सबसे खूबसूरत बात है कि इसका आप इसमें इसका लोगो देखेंगे तो ये लोगो भी चेंज किया गया है जो कि आपका सिल्वर क्रोम में आ रहा है। 360 कैमरा जो कि इस मॉडल्स में मतलब इस रेंज की गाड़ियां में जो कि नहीं अवेलेबल सकते हैं, अब इसमें ये भी मॉडल्स आ रहे हैं। और ये 360 कैमरा का मतलब जबरदस्त व्यू है जो कि सर अनुकूल सर ने जी ये देख लिए, पहले ही देख लिए। सो पहले ही देखे, अगर आप इधर आएंगे तो ये LED आपका लाइट दिया हुआ है जो कि आप अगर इधर बढ़ेंगे तो टायर साइज भी देखेंगे 17 इंच लेवल में आ रहा है ये 215/22। अलॉय का डिजाइन भी चेंज कर दिया गया है, अलॉय का डिजाइन भी चेंज किया जो कि डायमंड कट में बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये ऑल न्यू क्रेटा है, ये ऑल न्यू क्रेटा के साथ यही बेनिफिट है। और इसका डोर हैंडल देखेंगे तो क्रोम फिनिश डोर हैंडल दिया गया है और ब्लैक वाले में तो और कमाल का लगता है क्या, ब्लैक वाले में तो और जबरदस्त लुक आता है। अब पीछे अगर आते हैं तो पीछे में भी हेडलैम्प दे दिया गया है, LED जबरदस्त लुक है। पीछे का लुक भी पूरा चेंज है, पीछे का भी लुक पूरा चेंज है, कनेक्टिंग टेल लाइट। अगर गौर से देखेंगे रोड पे चलते हुए तो डिफेंडर देखे होंगे, उस का टक्कर का गाड़ी, डिफेंडर का टक्कर का गाड़ी। आप अगर लुक साइड से देखेंगे तो जबरदस्त लुक है। चलिए देखिए कि जो डिजाइन है वो एकदम चेंज कर दिया गया है, इसमें ताकत बढ़ाया गया कि नहीं क्रेटा का, टर्बो इंजन 1.5 लीटर में भी आ रहे हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में है जी। और बूट स्पेस कैसा है, बूट स्पेस भी बहुत बड़ा है जो कि आपको पहले से बढ़ाया है, लगभग 20 लीटर बूट स्पेस बढ़ाया गया है इसमें, काफी सामान अट सकता है। प्लस आपके साथ ये बेनिफिट मिलता है कि 60-40 रेशियो में सीट भी फोल्डेबल है, फुली फ्लैट हो जाएंगे अगर दो लोग हैं तो जी। बॉस के बेस ट्यूब दिया हुआ पीछे में जो कि आपका बूट स्पेस में साउंड को और ही जबरदस्त बनाता है, एकदम बूम बूम करेगा, क्या करेगा मतलब बूम बूम। देखिए बूट स्पेस को भी जो है वो बढ़ा दिया गया, इसको बंद करेंगे और ये फिर से देखिए ये जो कनेक्ट करेंगे तो पीछे से साइड स्प्लिट प्लेट दिया गया है जो कि और भी लुक को एनहांस करता है, मतलब मस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है, इसको मतलब बयान नहीं किया जा सकता है जिस तरीके का ये बनाया है इस बार गाड़ी। चलिए तो अंदर चले गया कि बाहर का कुछ बाकी रह गया है, नहीं अब अंदर चला जाते हैं। शार्प ब्लैक कैंटीना दिया है जो कि स्पेशल एक मतलब ये दिया गया है, और पैनोरामिक सनरूफ तो भैया है ही, सनरूफ तो है ही, उसको तो बोलना ही नहीं है। हाँ। लैंप में आपका स्पॉइलर दिया जो कि कनेक्टिंग स्पॉइलर है आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ में जो कि दूर से भी गाड़ी का विजिबिलिटी को एनहांस करता है। चलिए तो आप बिना टाइम वेस्ट किए नए वाले क्रेटा के अंदर चलते हैं। सुना है बताए क्या कि दाम बताइए तो इसका एक बार, स्टार्टिंग प्राइस जो है सो 10,99,900 रुपए से स्टार्टिंग। हाँ, है टॉप मॉडल का बताइए, टॉप मॉडल का 20 लाख अप्रोक्स जाता है, लेकिन हम इसलिए ये बात छेड़े कि 22 लाख 20 लाख जो भी ये कह रहे हैं, अंदर का जो लुक है ना वो 50 लाख का आइकॉनिक आपको मालूम है ना इलेक्ट्रिक वाला, वैसा अंदर बना दिया गया। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए हम नई क्रेटा के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको कि आइकॉनिक आपको याद होगा ना 50 लाख से भी ऊपर की गाड़ी, वैसा ये लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले को के साइज़ को बढ़ाया गया है, हैंडल आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी में हम मौजूद हैं, ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि किस तरह का। आप बिना बोले शुरू कर देते, पहले स्टार्ट कर देते क्या? Yes. और ये गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब रोशन जी आप पर छोड़ें, क्या बताना चाहेंगे लोगों को?
लोगों को सबसे बड़ी बात यह बताना है कि इसका जो इस बार म्यूजिक सिस्टम एंड क्लस्टर मीटर है दोनों को फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया गया है। आप अगर इसका ये इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम देखेंगे, म्यूजिक सिस्टम का जो कनेक्ट बटन्स है वो भी बहुत खूबसूरत और ये कर दिया गया, जिससे कि आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस रियर एसी वेंट, फ्रॉग रिफॉगर, ये सारा कुछ यहाँ से आपको कंट्रोलिंग सिस्टम दिया गया है। आप अगर स्टेरिंग्स में देखेंगे तो आपका म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल दिया गया है, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, प्लस एक एडिशनल फीचर्स को हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो एडास फीचर्स को भी हम लोग यहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एडास को ऑन ऑफ करने का भी फंक्शन यहाँ दिया गया है, प्लस एक एडिशनल इसमें क्या बटन एड ऑन हुआ है, जो कि आप इस बटन को देखेंगे गौर से तो ये पार्किंग बटन है, आप इसको भी आप ये करके देख सकते हैं। तो ये दबाने से क्या होगा, ये दबाने से आपका जो पार्किंग का जो पीछे का जो हम लोग देखते हैं कि कितना स्पेस जाने के बाद ये रुकना है, वो चीज इसमें विजिबिलिटी को इनहेंस करके जूम करके दिखाता है। ये देख सकते हैं क्या वो चीज, वो देख सकते हैं आप। तो ये किए रिवर्स में, ये रिवर्स में हाँ। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत विजिबिलिटी है इसका, कैमरा क्वालिटी कितना जबरदस्त है। 360 भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 360 आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 360 दिख रहा है कि अगल क्या है, बगल क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, क्या है, ये सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि इसमें एक एडिशनल एसी में डुअल एसी वेंट का सिस्टम दिया गया। ठंडा चाहिए आपको, अगर आपको हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, अगर वाइफ को ठंडा चाहिए तो ठंडा दे सकते हैं, गरम चाहिए तो गरम दे सकते हैं, आपको अगर ठंडा चाहिए तो आप ठंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज बेनिफिट इसमें बहुत बटन्स काफी इसमें दिख रहे हैं, बहुत सारे बटन्स हैं। आप देखेंगे कि फैन का स्पीड के लिए अलग अलग बटन्स हैं, आपको मोड्स कौन सा चाहिए, ऑटो एसी क्लाइमेट दिया गया जिससे कि आपका मतलब माइलेज पे भी फर्क पड़ता है ऑटो एसी क्लाइमेट का वजह से। आप अगर देखेंगे तो इसका मतलब गजब टेम्परेचर के लिए अलग बटन दिया गया है, आपका वॉल्यूम के लिए अलग बटन्स है, वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, एडिशनल चार्जर्स सपोर्टेड दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कनेक्टिंग डिस्प्ले दे दिया है? कनेक्टिंग डिस्प्ले का तो कोई बात ही नहीं है सर, आप अगर देखेंगे तो Hyundai की आइकॉनिक में बैठे हुए 50 लाख की गाड़ी में, सर आप Hyundai के साथ बैठे हुए हैं और आइकॉनिक जैसा गाड़ी का लुक दिया गया है इस बार। आप इसमें एक एडिशनल मैग्नेट फंक्शन दिया गया है, जैसे इसमें क्या होगा, उसमें आप अगर चाबी वगैरह ये करते हैं तो उसमें वो होल्ड होता है, तो ये चीज बहुत ही बेस्ट है। जैसे मोबाइल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि एक पीछे में वायरलेस चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है, उस तरह का एक मैग्नेटिक फंक्शन आता है जो कि आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस बॉस का म्यूजिक सिस्टम दिया गया इंटीरियर में, आप अगर इसको देखेंगे तो मोबाइल होल्डर का काम में ये बहुत जबरदस्त आएगा, मैट फिनिशिंग के साथ में है। अगर आप इसका हैंडरेस्ट देखेंगे तो ये लेदर फिनिश्ड हैंडरेस्ट है, प्लस आप देखेंगे तो वेंटिलेटेड सीट भी है आपके पास। ये सबसे मेन है, सबसे मेन ये है आपको, जो कि ठंड में अभी क्या है कि आपको ज्यादा ठंडा लगेगा, उसके लिए आपको वेंटिलेटेड सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस दोनों फंक्शन इसमें हीट एंड कोल्ड दोनों यूज कर सकते हैं। सुना है कि इसमें मोड है, इसमें आपका ड्राइव मोड भी दिया गया है सर, जिसमें कि आपका तीन मोड में काम करता है, इको मोड हो गया, एक कंफर्ट मोड हो गया, और एक स्पोर्ट्स। आप अगर आप उसको देखेंगे तो देखिए कितना स्पोर्ट्स मॉडल लुक में जैसे ही जाते हैं तो उसका लुक भी चेंज होता है क्लस्टर मीटर का। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इको मोड है, इको के बाद नॉर्मल हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है स्पोर्ट्स, और इसमें सारे का सारे में पावर बढ़ेगा क्या? हाँ, सारे में पिकअप चीज बढ़ेगा, पिकअप बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, आपको जैसा यूज करना है उस तरीके से। इसमें एक ड्राइव मोड के अलावा भी ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, इसमें ट्रैक्शन मोड भी दिया गया है, जैसे हम लोग रेती वाले जगह पे जाते हैं या कीचड़ वाले जगह पे जाते हैं तो वहां भी वो ट्रैक्शन कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस बटन में ड्राइव और ट्रैक्शन दोनों दिया गया फंक्शन, आप ड्राइव में अगर दबा के करते हैं तो ड्राइव का फंक्शन चेंज होगा, ये या मड भी, मड चीज भी लिखा रहा है, मड सैंड। अब यहाँ पे क्या है कि आप दो फंक्शन देख रहे होंगे, ड्राइव और ट्रैक्शन। अभी ट्रैक्शन में गया जो कि स्नो है, मड है आपका, उसमें सैंड है, ये सब चीज इसमें काम करता है। आप अगर ड्राइव में आते हैं तो इको हो गया, नॉर्मल हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, ये सारा चीज बेनिफिट इसमें आते हैं। लेकिन मजेदार गाड़ी है पूरा, क्या बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है। चलिए तो अब इसका दाम बता दीजिए। देखिए इसका दाम जो है सर आपका स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस आपका जो आता है 10,99,900 से स्टार्टिंग एक शोरूम है हमारा बेस मॉडल्स का, और अगर टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो 20,04,000 कुछ करके इसका। कलर्स कौन कौन से अवेलेबल? इसमें कलर्स में टोटल 6 कलर्स आते हैं, जैसे फेरी रेड हो गए, एबेस ब्लैक हो गए, प्लस एटलस व्हाइट हो गए, एक इसमें एक नया कलर ऐड हुआ जो कि वो ग्रीनिश टाइप का, वो जबरदस्त कलर है, जबरदस्त कलर है, बहुत जबरदस्त। उसके लिए पूरा लोग उसको लोग उसके लिए उसको देखने के लिए लोग काफी बेचैन से, उसका बुकिंग्स बहुत ज्यादा। अच्छा, आज अगर कोई बुक करता है क्रेटा को तो कब दीजिएगा?
देखिए इसमें जो वेटिंग पीरियड है सर, अभी पेट्रोल्स में अगर देखा जाए तो 14 से 16 वीक्स का है और डीजल में देखा जाए तो 20 से 22 वीक्स का वेटिंग है, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वेटिंग्स को कम किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग पे मतलब बात चल रही है इस पे, क्योंकि गाड़ी इतना ज्यादा डिमांड में है कि वेटिंग तो जाना कॉमन बात हो गई है। चलिए तो अब इसको घुमा के देखते हैं, पहले यहीं पे घुमा लेते हैं, यहाँ पे जो मिट्टी है वहीं पे घुमा लेते हैं। चलिए अब नए वाले क्रेटा का मजा लेते हैं और ये रोड पर चलाते हैं कि ये गाड़ी कैसी चलती है। अभी नॉर्मल मोड है, आपको मालूम होगा कि इसमें 3 मोड दिया गया है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, पावर आप देख सकते हैं कि नए वाले क्रेटा में पावर जो है वो है। यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे, यू टर्न। देखिए नई गाड़ी को चलाने में ना अलग ही मजा आता है, 360 व्यू का एक और मजा है, जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंडिकेटर अपने दबाया, बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए तो ये एक अलग चीज है। क्या चीज है, आपको देखने में के लिए भी अलग से कोई ध्यान एकत्रित करने का जरूरत नहीं है, आप सामने ही आप देख के उसको देख सकते, यही से सारा चीज मीटर पे। तो पावर देख लेते हैं इसका, तो ये पावर देखने के लिए ये एक्सीलेटर पे पैर रखा और आपको दिख सकता है कि किस तरह का स्पीड है, ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी बहुत सही है और सारे लोग पसंद करते हैं क्रेटा इसलिए क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है, इसका जो हर चीज है वो बाकियों से अलग है। और नया वाला क्रेटा ना धूम मचा रहा है क्योंकि नए वाले क्रेटा में पहले वाले क्रेटा से ज्यादा दम है। बुकिंग के बारे में हमने आपको बता दिया, कलर के बारे में हमने आपको बता दिया, ऑटोमेटिक का कितना दाम है, नॉर्मल का कितना दाम है, हर चीज हमने आपको बता दिया। बुक अगर आज करेंगे तो आपको कब मिलेगा वो भी हमने आपको बता दिया। तो देखिए नया वाला जो क्रेटा है ना वो एकदम अलग है पुराने वाले क्रेटा से, और आपको फिर से बोल रहे हैं कि देखिए बाहर से ये नया क्रेटा जरूर लगता है लेकिन अंदर से आइकॉनिक का मजा देता है, यानी 50 लाख की गाड़ी में आप बैठे हुए हैं ऐसा फील आपको होगा, क्योंकि हुंडई का जो आइकॉनिक है वो 50-55 लाख का है और वैसा ही लुक दे रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये लुक जो है वैसे ही है और गजब है, मतलब कि हर चीज़ इसका अलग चीज़ है। और जैसा पुराना मार्केट बनाया था क्रेटा ने, मुझे लग रहा है कि रोशन भाई ये वाला भी बना ही लेगा मार्केट, उससे जबरदस्त मार्केट रहेगा, उससे जबरदस्त रहेगा। माइलेज बता दीजिए थोड़ा, माइलेज इसमें आपको पेट्रोल में जो एवरेज निकल के आएगा सिटी में वो आपका 15-16 का एवरेज निकल के आएगा, और अगर हाईवे पे जाते हैं तो 17-18-20 तक ही भी एवरेज जाएगा, कुछ चलाने पे भी डिपेंड्स करते हैं। अगर डीजल की बात करें तो 16-17 का एवरेज रहेगा, और डीजल में अगर हाईवे पे निकलेंगे तो 18-20-22 तक भी एवरेज जा सकते हैं। हाँ, तो सब कुछ चलाने पे डिपेंड। इसमें एक एडिशनल आ रहे हैं टर्बो इंजन के साथ में, जिसमें कि ट्रांसमिशन भी काफी आ रहे हैं, IVT ट्रांसमिशन है हमारे पास, DCT ट्रांसमिशन के साथ में भी आ रहा है क्रेटा, तो ये भी एक अलग तरह का बेनिफिट्स है इसमें। तो अब बस देखिए जितने भी लोग ये देख रहे हैं, नया क्रेटा धूम मचाने वाला है, पुराना क्रेटा से अलग है एकदम, अंदर में कैसा मजा, बूट स्पेस कैसा, पीछे कैसा स्पेस, आगे कैसा स्पेस, हमने आपको हर चीज़ दिखा दिया। लेकिन एक बार अपने पास वाले शोरूम पे ज़रूर जाइए, अगर आपको क्रेटा से प्यार है तो आपका प्यार दुगुना हो जाएगा, क्योंकि नया वाला क्रेटा मस्त है, चलने में भी, हैंडलिंग में भी, हर चीज़ में, हमने हर चीज़ आपको बता दी, अब आप पर है, क्रेटा के दीवाने हैं तो लीजिए जल्दी। तो बस लाइसेंस के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।